जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए मेरा चीकू आ जाओ। क्या खा रहे हो चीकू? तुमको तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए है चीकू, और मैं चीकू कर रही थोड़ा सा प्यार, क्योंकि मुझे निकलना है स्कूल। तो बस मैं आप सबको ये दिखा रही थी कि चीकू अभी केक लेके घूम रहे हैं, क्योंकि इन्हें खाना पीना से मतलब नहीं है, इन्हें कुछ कुछ अलग से चाहिए। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी। मेरा एक स्टूडेंट भी है, सब्सक्राइबर भी है, बहुत ही मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप मॉर्निंग का ब्लॉग लेकर के आइए, आप जिस टाइम स्कूल निकलती हैं वो दिखाइए, किस तरह से आपका बिजी रूटीन है। तो कुछ उससे हम सबको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है आपका लाइफ। तो इस तरह के ब्लॉग आप ले करके आएंगी तो हम सबको देख करके मोटिवेट करेगा कि हाँ आप कितनी हार्ड वर्किंग हैं। तो बस इस उनके कहने पे मैं ये ब्लॉग लेकर के आई हूँ। और मैं आज मॉर्निंग में भी बना रही हूँ धुसका। तो धुसका यहाँ पे मैं चावल और उड़द का दाल और चना रात में फुला करके रखी थी, और ये फूल गया था रात भर में। उसके बाद मैं यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में पीस ले रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा जीरा और हरा मिर्च, अदरक का टुकड़ा मैं डाल करके भी पीसी हूँ साथ में। और मैं इसे आधा घंटा के लिए छोड़ दूँगी। तब तक जब तक ये फूलेगा तब तक मैं यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो जिसमें मैं सब्जी बना रही हूँ आलू, बैंगन और जो होता है ना सोयाबीन उसका, क्योंकि इसमें धुसका में मेरे हस्बैंड को आलू बैंगन की सब्जी पसंद है और मेरा बेटा को सोयाबीन का। तो मैं सोची कि दोनों का अलग अलग अभी नहीं बना पाऊँगी सुबह में, तो मैं दोनों सोयाबीन और बैंगन दोनों को मिक्स कर दे रही हूँ इसमें। तो उससे सोयाबीन मेरा बेटा खा लेगा और आलू बैंगन हम सब के लिए हो जाएगा उससे। तो बस फटाफट से जब तक ये फूल रहा तब तक मैं यहाँ पे आलू काट करके रख लेती हूँ, पानी में ही मैं कट के रखती हूँ ताकि ये काला ना हो। और बैगन भी काट ली हूँ, उधर मैं सोयाबीन को बॉयल कर ली हूँ। अब बस यहाँ पे तेल डाली हूँ मैं, सरसों का तेल। जैसे गर्म हो गया तो पंचफोरन डाली हूँ, और पंचफोरन जैसे चटक गया तो मैं यहाँ पर आलू डाल लेती हूँ। थोड़ा सा बिजी रूटीन होता है मॉर्निंग का, स्कूल जाने से पहले मैं बहुत स्पीड में काम करती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना होता है, 7 बजे से पहले निकलना होता है। तो तब तक मेरा सारा काम मैं निपटा के जाती हूँ और नहा पूजा करके भी जाती हूँ घर में। मान लीजिए भगवान है तो कैसे इस तरह से जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में करती हूँ। तो बस यहाँ पे जैसे थोड़ा सा मेरा आलू भुना है, उसके बाद मैं यहाँ पे सोयाबीन डाल दी हूँ, और सोयाबीन को भी मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। और जैसे ये भून जाएगा तो मैं यहाँ पे बैगन काट के रखी थी ना, बताई थी आप सबको, पानी में इसे भी मैं रखी थी ताकि ब्लैक ना हो। और बस जैसे ये थोड़ा सा भून गया था तो मैं बैगन को भी इसमें डाल देती हूँ। और इसे भूनने के बाद अब यहाँ पे मैं एक टमाटर काट ली हूँ बड़ा साइज का है, और एक हरा मिर्च उसे भी डाल दूँगी। हरा मिर्च का थोड़ा सा फ्लेवर ना अच्छा लगता है सब्ज़ी में। अब थोड़ा सा भूनने के बाद यहाँ पे मैं मसाले में जीरा, गोलकी, लहसुन, अदरक और हरा मिर्च मैं पीस के रखती हूँ। मैं हमेशा पीस करके ही मसाला डालती हूँ, उससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो 2 चम्मच डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच से ज़्यादा नमक डाली हूँ, और बस सबको डाल के अच्छी तरह से भून लेना है ताकि मसाले अच्छी तरह से भून जाए, वेल इसका जो है सेपरेट हो जाए ऊपर। तो जैसे ये हो जाएगा उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी इसमें। तो बस यहाँ पे मेरे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और तब तक यहाँ पे आधा घंटा से ज़्यादा हो गया था, तब तक मेरा ये जो धुसका का जो डो है वो भी फूल रहा है। तो बस सब्जी मेरे जैसे भून गए तो मैं यहाँ पे टेस्ट किया, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए तो सब धुसका में थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए सब्जी में, अच्छा लगता है खाने में। तो बस पानी डाल करके मैं इसे 3 सीटी लगा दूँगी, जैसे सीटी निकल जाएगा तो ये सब्जी रेडी है। और यहाँ पे आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका था तो मैं इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी, फेंट लूँगी, ताकि जितना अच्छा से फेंटेंगे ना उतना अच्छा से धुसका बनता है। मैं इसमें कोई मीठा सोडा वगैरह ये सब यूज नहीं करूँगी, क्योंकि वो सब ना हमारे हेल्थ के लिए वो सब अच्छे नहीं होते हैं। वो तो मीठा सोडा वगैरह जो है वो सब जो बाहर में हम लोग खाते हैं मार्केट से, उसमें वो लोग यूज करते हैं ताकि अच्छा दिखे, अच्छे से फूल जाए। लेकिन घर में इस तरह से बनाने से ना बहुत अच्छा फूलता है धुसका, और बहुत ही अच्छा लगता है, और बिल्कुल भी तेल ऑब्जर्व नहीं करता है मैं जिस तरह से बनाती हूँ। तो धुसका का नियम है फ्रेंड्स कि जैसे आप 1 गिलास चावल लिए हैं तो उसमें 1/2 गिलास उड़द का दाल ले लें, 1 मुट्ठा चना का दाल ले लें, उसे फुला लें, उसे फूलने के बाद पीस लें। मैं इसका अच्छा से एक रेसिपी भी मैं पहले वीडियो में शेयर की हूँ, तो आप सब अगर चाहेंगे उसे देखना, फुल रेसिपी सिर्फ उसमें है धुसका का, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप सब चेक कर सकते हैं वहाँ से।
तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छी तरह से मैं धूस कर डाल रही हूँ, और जैसे होटल का होता है ना उस तरह से एकदम करारा करारा, अंदर से स्पंजी टाइप से है, ऊपर से करारा है। तो बस धूस का देखिए बन रहा है, और जैसे ये पूरी अच्छी तरह से लाल लाल देखिए चेंज जैसे हो गया ना कलर, तो बस इस थोड़ी देर के लिए इस तरह से ही गार लेना है, इसका तेल जो एक्स्ट्रा हो वो निकल जाए, थोड़ा सा दबा दबा के भी गारना है ताकि जितने भी तेल इसमें हो ना वो निकल जाए बाहर, क्योंकि तेल रहने से ना मुंह में अजीब सा लगता है तो अच्छा भी नहीं लगता और सेहत के लिए भी नुकसानदायक है फ्रेंड। तो बस मैं इस तरह से ही आपको सबको एक दो और बना के दिखा दूँगी। तो मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी में काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं धुसका बनाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बहुत दिन से मन कर रहा था बेटा को खाने का, तो मैं सोची थी लोग के लिए बना देती हूँ, तो मेरा भी स्कूल का लंच भी मैं ले जाऊँगी। लंच क्या मेरा ब्रेकफास्ट होता है स्कूल में, क्योंकि मैं सुबह में सिर्फ चाय पी के निकलती हूँ, बहुत सुबह निकलना होता है ना इस वजह से, तो मैं वही ब्रेकफास्ट ले जाती हूँ, फिर स्कूल में ही मैं कर लेती हूँ, फिर मैं घर आती हूँ तो उसके बाद खाना वाना बनाती हूँ। तो बस इस तरह से देखिए मैं धूसका बनाई हूँ, और कितना अच्छी तरह से फूल रहा है धूसका, आप देख सकते हैं। मैं आप सबके लिए दो तीन दिखा दे रही हूँ ताकि इस तरह से ही डालें, और धूसका डालने का नियम है ना कि एक जगह पर ही डालें, हिलाना नहीं है कलछल को, नहीं तो पूरा धूसका फैल जाता है तेल में। और बस यहाँ पे मैं जैसे सब बन गया था तो मैं नहा के गई थी, नहा धोवा के मैं पूजा वूजा करके नाश्ता बना रही थी, तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से बाल बस ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं बाल में जस्ट क्लचर लगा के मैं स्टार्ट की थी काम करना, तो नहाने के बाद मैं ऐसे ही क्लचर लगा लेती थी, तो बस फटाफट से मैं बाल बांध लेती हूँ। और मैं बताई हूँ ना कि सिर्फ चाय पी के मैं स्कूल निकलती हूँ फ्रेंड्स। तो बस अब मैं आ चुकी हूँ नीचे अपनी स्कूटी से, और देखिए मैं इसी स्कूटी मेरा है, आप सब पहले भी देखिए होंगे, बस मैं स्कूटी से ही स्कूल जाती हूँ, तो मेरा मॉर्निंग रूटीन बहुत बिजी होता है फ्रेंड्स, फिर भी मैं अपने उस बिजी से बिजी रूटीन से मैं आप सबके लिए वीडियो शूट की हूँ और एडिट करके मैं आज अपलोड कर रही हूँ। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप मॉर्निंग में किस तरह से स्कूल जाते हैं पढ़िए रूटीन शेयर कीजिए, तो मैं बस शेयर की हूँ। तो बस अब मैं निकल गई हूँ और मैं पहुँच जाऊँगी अपने स्कूल, क्योंकि मेरा स्कूल मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे जाने में। और मेरा बेटा देखिए पहले से यहाँ पे रेडी है, देखिए आप देख सकते हैं मेरे पास खड़ा है ना, देखिए जो साइकिल में वो मेरा बेटा है, वो मुझे बाय करने के लिए रेडी है। और मैं यहाँ पे अपने स्कूल में हूँ, मैं स्कूल का वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, कौन किसको पसंद आएगा नहीं आएगा, इसलिए बस मैं एक पिक्चर आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से ही मेरा वीडियो है, तो मैं आप सबके शेयर की, तो अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।